आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जोएब खान गूंज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानकारी भी है कि हर साल हमारे यहाँ रायपुर में झांकी गणेश विसर्जन के दौरान झांकी का आयोजन किया जाता है, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा और भी भगवानों के प्रतिमा जो है अच्छी तरीके से सजा करके निकाला जाता है और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, देखने लायक माहौल रहता है। रायपुर के आसपास के गांव, कस्बे, छोटे छोटे गांव के लोग यहां रायपुर में आते हैं उस मनोरंजन का लुत्फ़ उठाने के लिए। हर साल झांकी निकलती है, इस बार मैं आपके सामने इस वजह से आया हूं क्योंकि हर साल यहाँ झांकी निकलती है और हर साल कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व जो है उस रंग को रंग में भंग मिलाना चाहते हैं और हर साल कोई ना कोई वारदात को अंजाम देते हैं, मारपीट, चोरी, हत्या, लूटपाट, इस टाइप के वारदात हर साल अंजाम दिए जाते थे। इस बार उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमारे रायपुर के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल जी के निर्देश पे रायपुर की पुलिस काफ़ी चौकन्नी रही, काफ़ी सजग रही। वैसे तो हर साल रहती है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही चौकन्नी और कुछ ज़्यादा ही सजग रही और इसका कारण भी ये था कि एक बार कैंसल हो चुका था झांकी, जो है वो रविवार को निकलना था जो कि कैंसल हुआ कुछ कारणों से, कुछ मौसम के कारण से, कुछ व्यवस्था को लेकर के। जो झांकी रविवार को होनी थी वो कैंसल हो करके सोमवार यानी कि कल आयोजित हुई, जिसका माहौल काफ़ी अच्छा देखने लायक था। काफ़ी लोग आए, काफ़ी तादाद पे लोग आए और काफ़ी लोग उस पे मौका साजी पे थे कि हम कुछ अवैधानिक कृत्य करें, लेकिन इस बार पुलिस ने काफ़ी सजगता के साथ, काफ़ी जागरूकता के साथ में जिस पे भी संदिग्ध हो, जो भी संदिग्ध व्यक्ति होता था उसको रोक करके काफ़ी कड़ाई के साथ उनकी जांच की जाती थी, जिस जांच के चलते 20 से अधिक बदमाश और असामाजिक तत्व संदिग्ध पकड़ाए गए, जिनके पास धारदार चाकू, लोहे के हथियार, छोटे छोटे चाकू, नशे के तत्व ये पकड़ाए, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे पे लेते हुए उन बदमाशों को, संदिग्धों को गिरफ्तार करके वैधानिक रूप से कार्रवाई की। कार्रवाई करने में पुलिस ने काफ़ी लोगों का फोटो भी जारी किया है, जो बदमाश पकड़ाए, जो संदिग्ध पकड़ाए, हथियार के साथ फोटो जारी किया है पुलिस ने, जिसकी खबर सबको तो नहीं है, इस वजह से हम आपके सामने आए हैं। आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई खबरें, अपने प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। गूंज लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं कैमरामैन लोमेश पटेल के साथ मैं जोहेब खान आपका स्वागत करता हूँ।